राजधानी के पॉश इलाके में मरीज की जान से खुलेआम खिलवाड़ का मामला सामने आया है। डॉक्टर के क्लिनिक में ही चल रहा था नापाक धंधा। छपरा के दिघवारा के बीडीओ को लगाया एक्सपायर्ड इंजेक्शन। आपको बता दें कि बीडीओ की हालत गंभीर है। पटना डीएम और एसएसपी से इसकी शिकायत की गई है। वहीं क्लिनिक में पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में जांच के लिए ड्रग्स विभाग को भी बुलाया गया है। ड्रग्स विभाग ने और भी एक्सपायर्ड दवा बरामद की है। बोरिंग रोड में अभी भी छापेमारी जारी है। वहीं डॉक्टर और सभी स्टाफ को डिटेन किया गया है। क्लिनिक से 2020 की एक्सपायर्ड दवा भी जब्त हुई है। राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये मामला पटना का श्री कृष्णापुरी इलाके का बोरिंग रोड का पौष इलाका है, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर एस के बनर्जी का ये क्लिनिक था, जहाँ एक तिगवारा के एक वीडियो साहब इलाज के लिए आए थे, जहाँ उनकी पेट में गोल्ड ब्लाडर हुई थी, जहाँ इलाज के दौरान यहीं से डॉक्टर एस के बनर्जी के द्वारा दवा लिखी गई थी। दवा लिखने के बाद इनकी भारी मात्रा में डॉक्टर साहब के द्वारा दवा दी गई। दवा खाने के बाद वीडियो साहब को रिएक्शन महसूस हुआ, तो उन्होंने दवा देखा तो दवा में सारी दवा एक्सपायरी थी, जो कि डॉक्टर वीडियो साहब ने दिघवारा के हैं, जो कि पटना के जिलाधिकारी और पटना के एसएसपी थे, इन्होंने ये सूचना दी। उनके आलोक में थोड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के नियुक्ति कार्रवाई करते हुए उन्हें एक टीम के गठित किया, जहाँ ड्रग इंस्पेक्टर ने वहाँ पर छापेमारी की गई। जहाँ छापेमारी के दौरान इस क्लिनिक ने भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा भी बरामद किया गया है। वहीं बात करें तो पुलिस टीम और यहाँ जो दिघवारा के जो वीडियो साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या मामला था सर, पूरा मामला बताएंगे क्या मामला था। हमारे गोल ब्लाडर में स्टोन था, जिसका इलाज हम 15-20 दिन पहले भी इनके यहाँ कराने आए थे, और फिर जब दर्द बढ़ा 2-3 दिन पहले तो आए थे, तो इन्होंने कहा कि लगता है कि लक्षण देख के कि आपके पेट में अभी इन्फेक्शन है, पहले इन्फेक्शन के लिए कुछ जांच वाँच करा लीजिए। तो जांच करा के आज फिर दिखाने आए तो बोले कि आपके पेट में इन्फेक्शन है, पहले इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा फिर हम स्टोन का आपका ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से करेंगे। आपकी क्लिनिक में जैसा कि आरोप लगाया कि एक फेरी दवा, हाँ ये हम बता दें, मेरा एक दुकान नहीं है जी। मेरा कंपाउंडर साहब का दुकान है, वही ड्राई इंस्पेक्टर लोगों से जो बात होता है वही होता है, हम तो खाली मरीज देखते हैं। मेरा क्लिनिक जरूर है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर तब क्या करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं ना भाई, हम तो बीच बीच में देखते हैं ड्रग इंस्पेक्टर वाले आ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बोलिए तो मेरा इसमें क्या है, हमारे छत के नीचे है, इसके मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा, कहीं ना कहीं ड्रग इंस्पेक्टर की। हाँ तो भाई उन्हीं लोग ना आते हैं, वो लोग क्या चेक करते हैं, मरीज आती है तो आप भी, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा क्या है, हमने दवा लिख दिया, अब वो यहाँ से दवा लिया चाहे बाहर से लिया, उससे मर्जी है, मेरा तो कोई मर्जी है ही नहीं। सामने आप ही भी कैंपस में कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे कैंपस में जरूर है, तो हमारे चलते तो हम उसका दुकान चलाते हैं। बनर्जी के यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे, एस के बनर्जी के यहाँ, उनके पेट में गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस समय, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में अभी फिलहाल इन्फेक्शन है, इसलिए उन्होंने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया, और ऑपरेशन 2-4 दिन के बाद करने के बाद उन्हीं डॉक्टर साहब के ही दुकान से ये इंजेक्शन खरीदे, और यही इंजेक्शन एक लगवा वही बात। उसके बाद जब ये गाड़ी में गए तो इनको अनईजी फील होने लगा, तो पढ़े लिखे वीडियो थे वो देखे कि दवा भी क्या कोई गड़बड़ी है, तो देखा गया तो दवा एक्सपायर हो चुकी है, और इनको जो भी दिया गया 10-12 भाई वो सारे की सारी एक्सपायरी है। इसकी सूचना सबने डीएम साहब को दी, डीएम साहब के द्वारा राज्य औषधि नियंत्रक को सूचना दिया गया, तुरंत हम एसडीएम साहब थे, प्रभारी एसडीएम हैं अपने यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर श्री धनंजय कुमार जी के साथ हम लोग यहाँ दुकान पे पहुँचे, और उस समय से दुकान पे कार्रवाई स्टार्ट की है, एक्सपायरी मिला है,
उस दवा के जब्ती कर रहे हैं और विधवा तीन पर दुकान से भी दवा बरामद हुई थी एक्सपायरी दुकान से भी जो दवा डॉक्टर साहब को दी गई थी एक्सपायरी उसकी और मात्रा दुकान में थी। दुकान की लाइसेंस किसके नाम पे है सर? दुकान का लाइसेंस है विजेंद्र कुमार राय। वो कहाँ है अभी? विजेंद्र कुमार राय अभी नहीं है, अभी जो दुकान का संचालन कर रहे हैं वो अनिल कुमार का। ये तो डॉक्टर साहब के अंदर में है ना ये दवा दुकान? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब के अंदर सामने डॉक्टर सामने क्लिनिक है। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? दोनों आदमी की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेडिकल स्टोर किसी स्टोर में है और सुई लगाया था तो वही बॉम्बे का पता नहीं था क्या? हाँ गलती हो गई, आप दवा बेच रहे हैं गलती हो। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।